बात है कि अपने अल्लाह पाक से राजो न्याज किया करें, ठीक है। हम दुनिया को बताएंगे ना, 100 लोग हमारा तमाशा भी बनाएंगे। हाय, कोई हो नहीं सकती, लखों में करोड़ों में एक मतलब के नगीना। अम्मी, आपकी व्यूवर्स फैमिली जैसा भी कोई हो नहीं सकता। जब कदर आएगी, जब मैं मर जाऊंगी, जब तू अदरवाइज क्या कर रही है? कुछ अभी मैंने पकड़ा, यकीन मान लो, इसे देखा है ये क्या कर रही थी आपके सामने। मुझे लेके चल तेरे घर की तरफ, मैं भी देखूं लेके क्या क्या आता है। ओ मेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई, तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दुआ करता हूँ कि आप सब के घर में रहमतें बरकतें नाजिल होती रहें, क्योंकि रहमतों का, बरकतों का, खुशियों का और भरपूर सुकून का नाम ही खुदा है। इसलिए मैंने कहा कि तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है। आजकल हर किसी के घर में बहन भाई लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई माल की वजह से लड़ रहा है, कोई बिजली के बिलों की वजह से लड़ रहा है, और कोई ये जुनसाना बिस्तरा भी लड़ रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ठीक है, और कोई गर्मी दानों से भी लड़ रहा है। यकीन मानो, मुझे भी गर्मी दाने बहुत हुए हैं, तो मैं भी जुनसाना ही लड़ाई, जुनसाना जहन में अड़ी पड़ी है। बंदा एवं पास से गुजर जाए ना, लै तू मेरे लाग्यों लग गया, तू मेरे लाग्यों लंघिया क्यों, एवं ही फड्डा पा के बह जाते हैं। बाकी आप सुनाओ, सब यस मैस चल रहा है, गर्मी कैसी जा रही है आपके इलाके में, आपके शहर में? और ये लाजमी बताना आपने, बाकी ये जुनसाना ये देखो माई स्रोता लेके बैठी है। मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, अम्मी ऊंचा, भाइयों भाई, अम्मी और ऊंचा, बेटो पोतियो पोतो, अल्लाह पाक सबके, अम्मी और ऊंचा बोलो ना थोड़ा सा, अल्लाह पाक सबके नसीब बच्चे करे, अल्लाह पाक बीमारों को शिफा दे, आमीन, अल्लाह पाक बेरोजगारों को रोजी दे, आमीन, औलाद औलाद दे, आमीन, अल्लाह पाक जो बच्चे बच्चे को पसंद करते हैं, आमीन, अल्लाह पाक उनकी जोड़ियां बना, समझ रहे हो, आमीन, के लिए बेहतर है, आमीन, ठीक है ना, और मेरे लिए भी दुआ करना, आमीन। हाँ जी, टिश्यू जी, ठीक है ना। ये मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जवान जवान ही होता है जब वो प्यार मोहब्बत में होते हैं ना, तो उनके लिए कुल कायनात दुनिया वही होती है। तो वो पता नहीं किस जज्बात से हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए जुनसाना दुआ करना कि अल्लाह मामला जुनसाना सब रिलैक्स कर दे। तो आपने लाजमी जुनसाना दुआ करनी है और आमीन कह देना, ठीक है ना। आगे भी मैं चल के डिस्कस करूँगा, कुछ ऐसे हमारे बहन भाई हैं, व्यूवर्स तो नहीं कहेंगे, फैमिली है हमारी, बहन भाई है हमारे, तो उनकी कई परेशानियां आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या पता कौन आप में से दरवेश हो जिसकी आमीन का टाइम आया हो और सत्ती खैरे हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है ना। अब्बू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज जरा थोड़ा सा मैं नासाज हूँ। क्यों, क्या हुई? लेकिन फिर भी मेरी आप नहीं, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। गर्मी की वजह से आज काफ़ी वीकनेस हुई है, गर्मी ने मान से अम्मी बना के रख दिया। मैं दोपहर को खड़ा हुआ था, लगे आज तक ना मुझे गर्मी को महसूस नहीं करता, लेकिन जिस टाइम लाइट गई ना और उसके बाद जो सब सीन चला, मैं एक दफ़ा जो ना परेशान हो गया, लाइट हबस गुम हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई सारे, सब ठीक ठाक हैं? नहीं, आज अपने असल रूम में सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे ही करते हो और कैसे करते हैं? मैं कौन सा डंडा छोटा लेके, हां इस तरह सलाम कर। अच्छा हाँ जी, तो मैं ये दुआ देना चाहूंगी कि भाई अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे ऊंचा बोल आज रखे, ठीक है, जो आपके दिलों में, थोड़ा सा और ऊंचा बोल, सारी क्या ऊंची देगी मार नहीं उड़ा के बोतल, जो भी आपके दिलों में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, ठीक है, जो आप किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अपने अल्लाह पाक से राजो न्याज किया करें, ठीक है। हम दुनिया को बताएंगे ना, 100 लोग हमारा तमाशा भी बनाएंगे। हाय देखिए, इसके दिल में ये बात थी, ये चाह रहा है, ये चाह रहा है, ठीक है। जब रात को सोने लगते हैं, अपने खुदा से अपने दिल की हर बात किया करें, सब कुछ अल्लाह को बताया करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि कुछ दिन नहीं लगेंगे, आपकी परेशानी चुटकियों में हल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जो मेरी तकलीफें थी अंदर की, परेशानियाँ थी, अल्लाह पाक ने हल कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ, और जितनी मैं खुश हूँ, अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को भी उतना ही खुश। आमीन। नसीब नहीं भी पीछे, अरे क्या होगा, दिखाई जरा घर का काम ही कर रही हूँ। ये पुरानी चीज़ें हैं,
और भाई ने सलाम नहीं किया भाई ने अम्मी ये नाजायज हो रहा है ब्लॉग के साथ चुनसा ना ये गैर कानूनी हरकत है कि सारे बीच में आ रहे हैं और भाई आ नहीं सकती हूँ इंशाल्लाह मेरा भाई गज बज के आएगा नहीं नहीं कल ऐसा करे ना थोड़ा सा कुर्ता भिगो के पानी के अंदर और पहन के दिखा दे व्यूवर्स भी कितने दिन उसे देखेंगे और माशाल्लाह आपको बताएं कि बाल भी बड़े हो गए भाई के चले इधर बस कल्ला सलाम ही करना ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा सारी मेरी नंद के सदा सुहागन जो शादी होता है अब मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर क्यों एक मिनट से बोलो सारी मेरी नंदे रानिया जठानियां सासे सासे सब सब सुहागन रहे खुशबाद रहे और मैं जो है ना इसलिए ना इसके ऊपर एक मिनट से ऊपर कैमरा कराने पे राजी कह रही है कर दिया सलाम बस ठीक है ना अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप बस ठीक है इसे पता ही नहीं है कि आपसे किस तरह कोलैबोरेट करके रखना है अम्मी ये बात बनती कोई हो नहीं सकती लखों में करोड़ों में एक मतलब के नगीना अम्मी आपकी व्यूवर्स फैमिली जैसा भी कोई हो नहीं सकता जब कदर आएगी जब मैं मर जाऊंगी जब तू जब पता लगेगा हाँ मैं क्या लाई थी तेरे लिए ना दिखाई व्यूवर्स आप लोग ये बताएं मैं कह रहा हूँ कि आपके व्यूवर्स से भी ज्यादा कोई अनमोल नहीं है वो भी मेरे लिए बिल्कुल अपने कीमती टाइमों में से टाइम निकाल के दिल है दिल बुकता फेफड़ा कभी रामेश शाह के बारे में बात करते हैं कभी अम्मी अब्बू के बारे में बात करते हैं कभी इसके भगोने के बारे में बात करते हैं जब हम सारे आपस में एक घर में रहते हैं तो झगड़े भी होते हैं ताना तशकी भी होती है कुछ समझाया भी जाता है कुछ सिखाया भी जाता है तो वो भी मेरी फैमिली अगर मुझे अच्छे भी करते हैं कमर कुछ ऐसे वैसे भी करते तो मेरे सिर आपको नहीं ऐसे वैसे तो हमारा कोई बैठ नहीं करता ही नहीं कमर नहीं ज्यादा से ज्यादा दुआओं के आते हैं और अगर आए भी तो उन्होंने ये कहना है कि पर्दे पीछे के अच्छे लग रहे हैं या ऐसे है या वैसे है तब तक तो कोई ऐसा ताना तुनकी वाला आया ही नहीं है अगर कोई ताना नहीं होता अगर कोई बुरी बात भी समझा रहा है हमें तो वो अपना समझ के कह रहा है ठीक है ना अदरवाइज क्या क्या कर रही है अभी मैंने पकड़ा यकीन मान लो इसे देखा है ये क्या कर रही थी आपके सामने अच्छा तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब ठीक हैं मैं आज से मैंने सोचा मैं ये गई थी तो मैं गाइस के साथ व्यूवर्स के साथ सही पकड़े हैं शेयर करो अभी ये देखो क्या कर रही थी ये राफड़ी वाला रुमाल था इसे चुनसा ना सूंघ रही थी ये नहीं पसीना नहीं था राफड़ी थी अच्छा आराम से बैठा रहा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तेरे से है कौन बुरा बता चुप कर बे कुत्ते मुझे अच्छा व्यूअर्स मैं ये पूछने चाह रही थी मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि व्लॉगिंग कैसी कर लेता कार्ड वो मतलब जुनेद भाई कैसी व्लॉगिंग कर लेता है मुझे कमेंट्स में मैं काला नहीं हूँ तू अलबत्ता बुरी है अल्हम्दुलिल्लाह हूँ हाँ मैं काला नहीं हूँ आजकल मेरे व्यूअर पूछते हैं आप ये कौन सी क्रीम यूज करें हालांकि मौसम इतना सड़ा हुआ है मैं बताता हूँ कुछ 6-7 क्रीमों का मिक्सचर है ये वो लगाती है इस मौसम में ठीक है ना इसके मुंह का और इसके हाथों का रंग देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ गोरे हैं हाथ गोरे हैं और मुंह नहीं गोरा तेरा हाथों पे लगाती है ये क्रीम नहीं नहीं ये देखो मेरे पांव भी दिखाओ व्यूअर्स को देखो मेरे पांव गोरे हैं हाथों से भी ज्यादा पांव गोरे हैं ये देखो नाखूनों में भी क्रीम लगाऊं मैं नहीं लगाती है तू इसमें कोई शक नहीं लगाती अब वो बोल ही नहीं रही कुछ आज तक बोलना सिर्फ थोड़ा सा बोल दे आज की कसर कल निकाल देंगे कल हमने मोहम्मद राणा नहीं है मोमिन राणा है सोनी ससी वीर दा करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा गाना तो अमित ने सही गाया और मेरी तरफ इशारा करके गाया कहाँ से ये हीर लग रही तुम्हें रामे शाह तो पूरा लगता नहीं पास दी गई सही पकड़े हैं पास दी गई नाम चेंज कर रहे फिर बुरी बात है प्यार का नाम रख उसका व्यूअर्स को ना मैं सुना रही थी गाना के भाई बहन ने भुलेखा मैंने सोनी सस्ती की का मेरी बहने मेरी सोनी सस्ती की रही है जेड़ा कल 5 किलो दूध आया सी की कीता उस खीर दा कौन सा खीर तो नहीं आया 5 किलो दूध दे ना दे दो दिए 5 किलो दूध एक टाइम का दूध नहीं मिलता ये आपके ऊपर चल रहा
क्या था? मच्छर है। खुद कहीं से पकड़ के लेके आई तो तेरा काम क्या? यही मिट्टी में तो खेलती रहती है, घुसी रहती है, मिट्टी खाती है। कौन सा इतनी बड़ी खेलने कूदती रहती है? बच्ची नहीं है, मेरे से बड़ी है उम्र में। ये अभी मिट्टी में खुदी रहती है। हाँ तुझे पता था कि बोए कहते जमीन को? हाँ। कुछ दिन पहले इसने पूछा क्या के बोए किसे कहते हैं? नहीं नहीं मुझे पता है पापा, है ना, मैं इतनी गाइडेंस रखती हूं, मुझे सारा हीरा मैं तुझे ना लागे दे। तू एक मिनट फैमिली से पूछ अभी। 1 सेकंड हीरा मैं तुझे लाके दूं चिकन। अच्छा ठीक है ना, बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह कर, ज्यादा कुछ नहीं। जल्दी लेके आ, चिकन लेके आता हूं। अपन दोनों बहन भाई उन्हें ना उसके ना वो पैटिस बनाने। अच्छा ठीक है, जो उनसे 5-6-7-8 पैटिस बने ना, साथ थोड़ी सी मायोनीज लगाई उसमें। एक मिनट ठहर जा, आपा से भी खा ले तो मैं आपा टेंशन ना ले। आपा की तरफ अभी बर्फी भी रहती है मेरी। ठीक है ना, आपा को आपा की तरफ रहती है, मेरी तरफ रहती है आपा की बर्फी। तो हमें कल मीठा करवाइयो ना, हमारा लाके बर्फी खिला के। तो मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन ना लो। हमने आपा को भी तो भेजनी ना, तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि वो लेके आऊंगा उसके बनाइयो पैटिस 6-7-8-9 और 7 केचप और 7 हो उसके मायोनीज। ठीक है, और वो एक प्लेट में क्या इतनी गर्मी में इतना हैवी, थोड़ा सा ऊंची बोलना, इतनी गर्मी में इतना हैवी खाना। हाँ, अच्छा। उसको ना एक प्लेट के अंदर सजा के और फौरी मुझे दे दियो तू। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद मैं साफ कर, तू खा लियो जो को बताऊं, तू पके हो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। हाँ बताऊं, खाऊं मैं? हाँ खाऊं। ट्रोल कंट्रोल ए वेली हट, राम खाने वाली। इतनी देर से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और इससे कहो के पकड़े मोबाइल और कमेंट मुझे पढ़ने दे। ऐसे भी ना कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, जो क्या करे तो उसके मूर्ख बाजे। हाँ जी, तो ये मेरा काम है, लोग मुझे सज रहा था। हाँ सज रहा था आपने? अच्छा पहला कमेंट है फरवा आतिफ का, बोल रही है फर्स्ट कमेंट मेरा, मतलब कि पहला कमेंट है। मुबारक हो आपका फर्स्ट कमेंट आया आपा। बहन आपा तो एक ही है, दवा ना ओनली आपा जाने। और मदीहा निसार कहती हैं सारी अम्मी ऐसी ही होती हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे हम सब की अम्मी को, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन आमीन। ठीक कह रही हो, अब अम्मी ऐसी होती है अपने बच्चों को कोई बुरी सोच, बल्कि हम इसीलिए सोच रहे हैं अम्मी थोड़ी सी चेंज कर ले। बच्चे हाइपर हो जाते हैं लेकिन क्या करें, माएं हाइपर होती है लेकिन कभी उनके फायदे के लिए होती हैं, वो नहीं समझता। सारी अम्मी ऐसी होती है, पैसे लेके देती नहीं है वापस। अच्छा नेक्स्ट भाई, मैंने नहीं लिया कोई पैसे वैसे नहीं। झूठ बोल रही, क्या है? बारिश हो रही है। आहो ना, जब बारिश हो रही है, हवा चलने की बारिश हो रही है। मुबारक हो यार, दिल गार्डन गार्डन हो रहा यार, क्या कमाल, अल्लाह की कसम बारिश होने लगी। खेस हुआ मिट्टी, बारिश हो रही है। आई थिंक लिख तो रही नहीं, क्या कर सकते हैं, कहाँ कुछ नहीं, खबर हुआ नाम भी नहीं है। अल्लाह पाक सबको आपकी आपके जैसी खुश अखलाक फैमिली दे, जो सबको आहिस्ता हस्ती है, जो सबको हस्ती है, अब उन्होंने ऐसे लिखा, जो सबको हंसाती है। अल्लाह पाक आपके और आपके भी और हम सब के भी परेशानियां दूर करे, आमीन आमीन। आपकी फैमिली में भी मुस्कुराते रहो, आप भी हंसते रहो, शाद रहो, आबाद रहो। मिनाहिल बहन ने आज कमेंट किया है, वैसे 3-4 करती है लेकिन आज वो कमेंट नहीं किया जो करती होती है। वो कहती नहीं, मिनाहिल की प्यारी फैमिली को मिनाहिल का सलाम। ठीक है ना, वालेकुम अस्सलाम। और जो कमेंट उन्होंने किया वो ये है कि जुनेद भाई अपनी आवाज़ में सुना दीजिए, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लिरिक्स में सुना दे, लिरिक्स में सुना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो, खुदा की
कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या बात है। अच्छा जी, बहन तक पहुंच गया आपका? अमीर है, पहुंच गया होगा। अगर पहुंच गया हो तो दुआ कर देने मुसल्ले के ऊपर बैठ के, ठीक है? इसी कुलाद से नमाज देना। हाँ, इसी बहाने नमाज भी पढ़ लेना। ओके, आगे तो नमाज पढ़ती नहीं, मौलवी साहब मौलाना आज से नवाजे, ठीक है? आप भी बन जाओ। आमीन अल्लाह आमीन। हाँ, और बच्चों की प्यारी दुनिया की तरफ से अस्सलाम वालेकुम का मैसेज है। मैं जो मिर्शा पढ़ता था ना, वहाँ से आया मिस्टर हारिस। हारिस, मिसेस हारिस, मिस्टर हारिस भाई, मैं मिर्शा नहीं हूँ, सिस्टर्स हारिस हूँ। वही जो उन्होंने कमेंट किया था, जो है मदीहा निसार, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप सब। आप सब बहुत हंसते हैं आपके व्लॉग देखकर। आगे इनका मैसेज खत्म हो गया था। स्याही मौकी जी, बहुत अच्छी बात है, अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पे खुशी आती है तो हमारी खुश नसीबी इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकती। अल्लाह पाक आपको भी ऐसे हंसता और रबिया खान की तरफ से नाइस व्लॉग, मैं तो आपका व्लॉग देखती हूँ और अब मेरे साथ मेरी 9 साल की बेटी भी आयजा भी देखती है और हम दोनों माँ बेटी जुनेद भाई और हीरा की बातों पे हंसते हैं। और सच बताओ अम्मी अबू इतनी अच्छी दुआएं देते हैं कि दिल खुश हो जाता है। माँ सदके माँ बारी, मैं अपनी बेटियों के लिए सारियों के लिए ऐसी ज़िंदगी भर दुआएं मांगती हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश नसीबी खूब खूब अता फरमाए। आप जब मैसेज पढ़ते हैं मेरा नाम लेते हैं और दुआएं देते हैं है, मेरा दिल खुशी से झूम जाता है। सदके सदके अम्मा वारी, अल्लाह पाक आपको ऐसी हंसता रहे, यूं ही खुशी से झूमते रहे, खुश रहो, यूं ही खुशियों से आबाद रहे, आपकी झोलियां आपकी जिंदगी खुशियों से पूरी करती रहे। अच्छा, इधर बस पड़ी होगी, इधर देख लो मेरी तरफ प्लीज, आखिरी मिनट में पढ़ दें हम। परवा आतिश की तरफ से वालेकुम अस्सलाम जी 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 प्यारी फैमिली, अम्मी जी जुनेद भाई को पैसे ना देना। जी जी बिल्कुल, मैं जरूर मिठाई खुद लेकर आऊंगी, अपनी माँ को अपना बेटा दिखाऊंगी। इंशाल्लाह बेटा ही होगा, अल्लाह ने चाहा तो बेटा ही होगा। और जुनेद भाई को तो मैं ये दूंगी, कुछ भी नहीं देती। अल्लाह पाक मेरी बेटी को खैर खैरियत से फारिग करे। मेरा बेटा मेरे पास उखाड़े आना, उखाड़े में यहाँ भी रहती हूँ, मैं विनर चौक में रहती हूँ, आप भी बिस्मिल्लाह करके आ जाना। ये उखाड़े में रहती है, आपको बताइए। और मुझे लाजमी बताना जब आना हो, उससे पहले मुझे सीढ़ियों में से झाड़ू मार लेंगे। ये बढ़िया था गुरु। हाँ, जब भी कपड़े पहनो ना, ऐसा कर झाड़ू लगे नीचे, दर्जी नीचे तक झाड़ू मारती जाइए। ये आज सब बात हुई भाई, अब झाड़ू कितने बड़े लग रहे हैं। बात है, घर साफ होना चाहिए, तैयार होगा झाड़ू फेरने के लिए। फरिश्ते भी ऊपर आते हैं। बात तो सही है। नहीं तो क्या, तैयार होगी झाड़ू फेरने के लिए मेकअप करके? हम आकर अच्छा जी व्यूअर्स, तो आज की मेरी वीडियो आपको पसंद है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर चैनल ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचा, किसी से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए इसको इजाजत, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ गांजू, अल्लाह।